मगर एक बात अवश्य है जी. कि भाजपा के जितने नेता प्रवक्ता है वो इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि आज कहेंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऐसी बात कर दी तो गलत कर दिया, फिर अचानक से जब वो किसी भाजपा नेता मंत्री से मिलके आएंगे तो भाजपा के नेता कहने लगेंगे कि शिष्टाचार भेंट है, ऐसी मुलाकातें तो होती रहनी चाहिए. इससे ठीक है भाजपा के नेता कार्य कुछ नहीं कर रहे जनता के लिए, तो कम से कम कुछ काम करने के लिए बाध्य भी कराए जाएंगे वो हरीश रावत जी के द्वारा और थोड़े बिजी भी रहेंगे. नहीं तो एक एक करके सभी विधायकों के साथ ये मुलाकात करना, और खासतौर पर चर्चा तो इसलिए हो रही है सतपाल महाराज के साथ जो मुलाकात हुई है. सुजाता पॉल जी, आप भी समझती हैं कि दोनों कितने धुर विरोधी हैं, और ऐसे में इतने लंबे सालों बाद ये मुलाकात होना कहीं ना कहीं कुछ तो इशारा जरूर करता है. जी, सुनने में आया कि 9 साल के बाद मुलाकात हुई है, मगर हरीश रावत जी की अगर ट्वीट को देखूं मैं, उनके पोस्ट में ये लिखा गया है कि वो कहीं शादी में मिले थे सतपाल महाराज जी से. तो मुझे लगता है कि ये कयास लगाने बहुत ही बेकार हैं, क्योंकि मैं स्वयं जानती हूँ कि सतपाल महाराज जी को बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत ज्ञान है, बहुत दवाइयों के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, जो बात हरीश रावत जी ने कही भी है. और क्योंकि मैंने उनके परिवार के कुछ बच्चों को पढ़ाया हुआ है तो मैं इस बात से भली भांति परिचित हूँ. तो मुझे लगता है इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें केवल शिष्टाचार है एक, और दूसरा जिस बारे में उनको ज्ञान है उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए हरीश रावत जी गए. तो ये बता रहा है कि हरीश रावत जी ज्ञान को कितना महत्व देते हैं और ज्ञानी लोगों को कितना महत्व देते हैं. जी बिल्कुल, ये जो कह रहे हैं इनसे जानना चाहती हूँ. पुष्कर सिंह धामी जी, शैला रानी रावत जी, सरिता आर्य जी, ऋतु खंडूरी भूषण जी, ये सब हरीश रावत जी के घर तक चल के गए थे उनसे मुलाकात करने के लिए. कुंवर जपिंदर सिंह जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप चाहते हैं कि हरीश रावत जी को आप मुख्यमंत्री बना दें? मतलब आप कैसी बातें कर रहे हैं कि वो राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो केवल मुलाकात कर रहे हैं. आपके बड़े नेता भी जाते हैं उनके घर उनसे मुलाकात करने के लिए, और हरीश रावत जी केवल कांग्रेस पार्टी के नहीं, राज्य के बहुत बड़े और मैं कहूंगी आज की तारीख के कंटेम्प्रेरी नेताओं में से सबसे बड़े नेता है.